उठें और गाने ना बजें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यार मेरे को ना कमेंट करके बताना, जो इससे पहले वाली मैंने वीडियो बनाई उसका ऑडियो ज़्यादा अच्छा था कि ये वाली जो अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसका ऑडियो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बीच में लगा रखा था तो इसका जो एक माइक था वो ब्लॉक हो गया था, सिर्फ ऊपर वाला काम कर रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा 50% माउंट में लगाया ताकि दोनों इसके माइक बाहर निकल के रहें। तो मेरे को तो लग रहा है कि इसका आउटपुट ज़्यादा बढ़िया आएगा। माउंट मैंने मंगा लिया, ये रहा मेरे पास। अब 3 माउंट हो चुके हैं टोटल, अभी 2 मैंने कुछ दिन पहले मंगाए थे, अभी एक और मंगा लिया। तो ये मैं हर एक कोने में लगा दूंगा कार के आगे पीछे, जिससे आपको नए नए एंगल्स देखने को मिले। कार के बाहर भी लगाया करेंगे जब हम रोड ट्रिप पे जाएंगे। गाना बजाया जाए, ये आपको ना थोड़ा विंडस्क्रीन दिखेगी, थोड़े बाहर की भी बाउंड्रीज चल रही है तो पता ना कौन है कैसे लगा। तो जहाँ पे हमने आना था वहाँ पे हम आ गए, तो चलते हैं सीधा ऊपर और शिफ्ट करते हैं कैमरे पर। मेरे को लग रहा है कि मैं लेट हो चुका हूँ पर घड़ोली हो चुकी है स्टार्ट। तो भाई जो भी है जैसा भी है सिनेमैटिक में इंजॉय करना, व्लॉगिंग का तो टाइम मेरे को मिलेगा नहीं। तो सारी सेरेमनी होगी कंप्लीट, उसके बाद मैं पहुंचा हूं। बट जैसा भी हुआ, जितना भी हुआ उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और आप सभी लोगों ने देख लिया। तो अभी ऊपर चल के आपको और बढ़िया वे में दिखाता हूं। अभी तो फिलहाल यही था, मैं सोच रहा प्रॉपर यहाँ से जब निकलेंगे वो दिखाऊंगा, वहाँ पहुँचेंगे वो दिखाऊंगा, बट वहाँ पहुँच ही चुके थे। हाँ जी लाई है हमारी घड़ोली, आराम से दोनों हाथ से पकड़ के। अरे लाओ चलो जय जय। सर पे मारना चाहिए, टूटे ना। ये कोई भी एलिजिबल नहीं है। मैं ड्रीम इलेवन में टीम बना रहा हूं। अंदर ले जा सारे के सारे। इतना आपने टाइट बांधा है, ये पक्का फेविकोल का है, जो है सारे अंदर ले जा, किसी की बारी नहीं आ रही, किसी की बारी नहीं आ रही। मुझे मिलो कहां मत दे रहा सर। ओ गाना गाना है बच गए सारे, बच गए। क्या इसके बिना से शादी होती है क्या? मुझे वो मैं बैठ जाता। एक मन करा तो मैंने ऐसे ढीला करके गिफ्ट गिरा। सो गाइस, कैमरा क्वालिटी बताना कि आप सभी लोगों को कैसी लगी। तो अभी जो सेरेमनी थी उसमें मेरे को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर होगी, तो जितना हुआ मैंने उतना आप सभी लोगों को दिखा दिया। तो अभी हम आ रखे हैं बाहर शॉपिंग करने। अभी हमें करोल बाग बीकानेर वाला, क्योंकि शादी में जो भी मिठाई वगैरह लगती है या जो रिलेटिव्स को देनी होती है वो भी हम यहाँ पर लेने आए हैं। तो बाय द वे कज़न तो नहीं, मतलब मेरी मम्मी की बहुत खास फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी, मतलब सिस्टर ही लगी, मतलब काफ़ी बहुत ही पुराने दोस्त हैं। काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट करा है इंस्टाग्राम पर, भाई आप व्लॉग बनाओ बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो भाई फाइनली मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और एक दो इंसिडेंट्स तो ऐसे भी हो गए, भैया एक हमारी फ़ोटो लेना, भैया एक हमारी फ़ोटो लेना। तो भाई शादी में कैमरा घूमना यानी कि कैमरामैन, बट उनको कौन समझाए कि हम व्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं। तो आज आपको बहुत ही अलग लेवल के लाइफस्टाइल व्लॉग देखने को मिलेगा आज हमारी वीडियो में। तो अभी मैं इसको कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि एक पार्ट में बनेगा, दो पार्ट में बनेगा। जैसा बनेगा, जो अच्छा लगेगा एडिटिंग के टाइम में, वैसा आप सभी लोगों को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो अभी ये शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद थोड़ी ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाएंगे और देखते हैं कि भाई आज क्या मेरे को पसंद आता है और क्या हम लेने वाले हैं। तो फटाफट एक बार स्वीट्स की शॉपिंग हो जाए, उसके बाद मिलते हैं किसी और शॉप पे। देखूंगा अगर ये कैमरा ले जा पाया तो ठीक है, नहीं तो अपना ये छोटू गोप्रो तो साथ होगा ही। और मतलब पहली बार है कि मैं ऐसा कोई लाइफस्टाइल व्लॉग बना रहा हूँ, अक्सर मैं लाइफस्टाइल व्लॉग बनाता नहीं, आप सभी लोगों को पता है। तो अगर ये हिट गया, आपने पसंद करा, लाइक्स आए, अच्छे कमेंट आए, सब चैनल को सब्सक्राइब करा आपने जो नए देख रहे हैं, तो भाई ऐसे आने वाले टाइम में हम ऐसे व्लॉग भी बनाया करेंगे, क्योंकि हर एक दिन हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। बट मेरी कहानी कुछ और हो जाती है, वो आप सभी लोगों को बाद में बताऊंगा कि क्या मेरे साथ हो जाता है। कभी मैं व्लॉग बना पाता हूँ, कभी नहीं बना पाता। तो जैसा भी है, जो भी है, आप सभी लोगों को आज इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। कहाँ जाना है आप यार? इधर मैकडोनल्ड वाली रोड पे ले लक्ष्य यार, ये फूल वाली पर्ची कहाँ रख दी मैंने? उस दिन फोन करने के लिए आपने निकाली थी। लड्डू ये वाला पैक कराया? नहीं, बूंदी का। क्या अजीब सा टेस्ट है इसका। ये इसने हमें टेस्ट कराया। ये वो डाल रखा होगा, क्या बोलते हैं, गोंद। हाँ, हमने तो कराया जो बीकानेर स्पेशल लड्डू, जोधपुरी लड्डू। अच्छा हुआ लक्ष्य तू आ गया, मेरा ब्लॉग में लूंगा आंटी को। तो आंटी कैसा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लक्ष्मी मेरे साथ है मेरे। तो डरने की क्या बात है। करोल बाग में गाड़ी चलाना ही बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, डरने की क्या बात है, करोल बाग गाड़ी चलाना टास्क है। यहाँ मिलता, लगा लो यहीं पे, चलो चले आएंगे ना वहाँ। हमने इस साइड से तो उतरना नहीं। तो अभी मिठाई सारी इकट्ठी कर ली है मैंने, ले लिया ब्रेसलेट जो कि बहुत बढ़िया मेरे पर लग रहा है, और फूल इकट्ठे कर लिए हैं। और क्या काम रह रहा है अभी? बस दीदी को पार्लर छोड़ना है, लेना है पार्लर, लेके दोबारा छोड़ना है। और अभी 3 बज रहे हैं शाम की शादी, और अभी तक काम खत्म नहीं हो रहा। कल तक नहीं खत्म हो रहा था, रात तक 6 बजे तक। नेल्स की भी खींच ली है जो इसने कराई है। अरे वाह, कहाँ पान? मेरा सामने 5 पत्ते ले आओ। है इतना सामान छोटे छोटे लेना। अभी तक हम लोग प्रीति सारे अभी सामान छोटे इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ का। पान के पत्ते, ये वो दही खत्म होता है अभी तक, वो अभी बस घर जाएगी। अच्छा ये वही नहीं, पैसा भी कराना ही है। ये क्या है, ज्वेलरी आंटी कहीं पड़ी है मम्मा, आंटी की है ये, दिखा दे। आई एम जस्ट कमिंग इन 5-10 मिनट्स, आई एम ऑन द वे। 4 बजे हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी और अभी टाइम हो रहा है 8:20। मेकअप वगैरह हो गया। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है आपको? मुझे? हाँ, मुझे सारी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, देखते हैं अभी, कांट बिलीव, मतलब अभी ऐसे मतलब फीलिंग है ना, मतलब इट इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट। पूरा दिन खत्म हो गया, मेकअप भी चल रहा था, ड्रेसिंग वगैरह चल रही थी, तो फाइनली हम जा रहे हैं। हमारा बढ़िया भाई, हमने तो नहा धो के बस सूट वूट पहन लिया, बस बात खत्म। तो अभी हम जा रहे हैं विंध्यू पे पीरागढ़। भाई जाम देखो कितना दिखा रहा है पंजाबी बाग में। आज पता नहीं कितने लोगों की शादी, तो 2020 में हो रही है कोविड वाली शादी, तो आज देखेंगे कितने लोग आते हैं शादी के अंदर। 50 लोगों को इन्विटेशन दिया, और आज पूरा जैसे ना मैं देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब पूरी सैनिटाइजेशन होती है, मास्क पहनते हैं और सबको सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाएंगे। तो आज देखेंगे शादी में वैसा होता या नहीं होता है। कौन रूल फॉलो करेगा। ब्रेक हो गया। वॉइस का थोड़ा वो इशू रह सकता है, शोर शराबा रहेगा, बट जैसे तैसे मैनेज कर लेना। बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई। तो भाई जयमाला हो चुकी है और बड़ा वियर्ड सा लग रहा है मेरे को। शादी के अंदर मैं व्लॉग कर रहा हूँ और अब बारी है लावा फेरों की। तो अंकल क्या कहना चाहोगे आप? मुझे अपनी शादी की याद आ रही है। अच्छा, मेरा ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? हमारा गलियों में क्यों हुआ? हम उस चीज़ से वंचित क्यों रह गए, ये समझ नहीं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और मेरे तो इससे ज़्यादा कोई कमेंट्स है नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन अब बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ का। आज के मॉडर्न बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं, तो इनके लिए मेरी बेस्ट विशेष है। तो ये व्लॉग आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट ये बिल्कुल रॉ रहने वाला है। और मम्मी पापा को तो ये भी नहीं पता कि इनके फेरे पूरे हुए ही नहीं हुए हैं। अब मैं कैसे अपने मुँह से अपनी तारीफ बताऊँ? बताओ। हमारी शादी हो रही थी, हमारे कुछ ऐसे प्यारे दोस्त जो जिन्होंने दारू पी के कुछ झगड़ा कर लिया, पंडित जी जल्दबाजी में फेरे भी पूरे नहीं करा पाए। पता नहीं हुए नहीं हुए कितने, पता नहीं, हमने गिनती नहीं करी। हमारी खुद भागना हुई पड़ी, ये भी नहीं पता 7 हुए या 18 हुए। 18 हमें तो होश ही नहीं। हाँ। बस जी रहे हैं, आज 24 साल हो गए, 23 साल। कितने फेरे हुए थे पता नहीं, 7 की जगह 14 ना होगा। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कहा था कि लोग मेरे को शादी में पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक फ़ोटो खींच दो। सर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे बोलते हुए? कि शर्मा भी रहे हो सर, इधर इधर देखो तो सही, लाखों दुनिया आपको देख रही है। और तू YouTube में डाल रहे हो अरे काट दो। हाँ तो दीदी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन साथ में मैं बहुत टायर्ड भी हूँ। अच्छा। एंड अभी और पिक्स खिंचवाने का मन है लेकिन बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही। अच्छा। बस मन कर रहा है बैठ ही नहीं अब। बैठे बैठे कोई काम आज तक किसी का भैया बिल्कुल कोई बैठे बैठे काम नहीं हुआ। एक काम हो रहा है सामने देखो बैठे बैठे देखिए वो काम देखिए बैठे बैठे आपका सवाल था ना बैठे बैठे काम हुआ या नहीं हुआ वो देखिए सामने बैठे बैठे ही काम हो रहा है। बैठे बैठे तो आवाज़ नहीं आएगी भाई मेरे अरे नहीं आएगी। एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। एक पेड़ में दो आम थे सारे गिर गए तो कितने बचे? एक पेड़ में दो आम मुझे पता है अब तुम बताओ। मेरे को नहीं पता। मैंने एक में रस्सी मारी थी इसलिए एक दूसरा गिर गया और एक नहीं गिरा। अभी पीछे चल रही है रस्में और थोड़ी देर में हो जाएंगे फेरे और फेरों तक आप बिल्कुल यहाँ बने रहें। कैमरा उठाने का थोड़ा मुश्किल सा सीन हो जाता है क्योंकि डीजे भी चल रहा था अब बिल्कुल लोग साइलेंट हैं तो अभी उन्होंने एसी बंद कर दिया गर्मी से बहुत हो गया बुरा हाल। तो थोड़ा सिनेमैटिक एंजॉय करो और फिर मिलते हैं सीधा फेरों पर। कंचल चोलना गल गाया गोपी ओम सुमंगल रियंग बधुर्वा सत्वे दत्वास्थास्तंग विप्रेतनः चंद्रमा मनसो जायत ततो नो अभयं कुरु सुमनं रिंगदारस्तंग विप्रेतनः। कौन बेचारे के आसान बूढ़े पड़े घुस जाइए अक्षर भी जोड़ दीजिए पीछे। मैम ये डिब्बा पीछे कर लीजिए पूरी पैक। अलग कुर्सी फैट बैठ जाएगी। ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। नहीं ठीक है जो भी पूछना है आपको आप इस समय वैभव से पूछ सकते हैं। वैभव कुछ पूछ रहे हैं थोड़ा जवाब। हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है वो सुना जा रहा है। बेस्ट बेस्ट विदाई अब तक की बहुत अच्छा ऐसी हुई मीनू परी है। इसका डंडा पड़ेगा। कल किटकैट नहीं चलेगी। सो गाइस ये था हमारा वेडिंग व्लॉग और एक एंडिंग अब नए स्टाइल से करेंगे तो करते हैं व्लॉग आज का एंड। अगर आपको हमारा वेडिंग व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है।